जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है, वहीं बिहार विधान परिषद से एक बड़ी खबर बीजेपी के लिए सामने आई है। दरअसल विधान परिषद में 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और इससे खुश नजर आ रहे हैं बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। दरअसल सम्राट चौधरी ने MLC चुनाव में बीजेपी की जीत पर बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से जनता ऊब चुकी है और 2024 में भी हम ही चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा के नवनिर्वाचित 2 विधान पार्षदों का शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर ये पार्टी के करोड़ों समर्थकों का उपहार है। आपको बता दें कि चौधरी ने नव निर्वाचित पार्षद अवधेश नारायण सिंह और जीवन कुमार का प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर स्वागत कर दोनों को जीत की बधाई दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि मगध और शाहबाद के शिक्षकगण और स्नातक बंधुओं के आशीर्वाद से यह संभव हुआ। अब बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचेगी। जी हां, सम्राट चौधरी को अब काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता ऊब चुकी है, वो थक चुके हैं। वहीं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेता हैं जो PM पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। देश की जनता 2014 से पहले कमजोर और मिलीजुली सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार का अंतर समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन 6, 7 या फिर 20 दलों का गठबंधन बनाए, भाजपा उसे हराने का काम करेगी। वहीं अभिनंदन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा, विधान पार्षद राजेंद्र गुप्ता, अनिल शर्मा, निवेदिता सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिंह और अशोक भट्ट के अलावा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। तो यहां पर अपनी जीत से उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी और सम्राट चौधरी को काफ़ी उम्मीदें अब लग रही है। वहीं नीतीश कुमार पर लगातार सम्राट चौधरी का निशाना जारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।